हेलो फ्रेंड्स, शिलास फूडशाला में आपका स्वागत है। 5 मिनट में बनने वाली मूंगफली की सब्जी, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा कि मूंगफली की सब्जी मैं कैसे बनाऊंगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट पाने के लिए घंटी जरूर दबाएं। मैंने ये 2 प्याज लिए हैं, इसे लंबे लंबे कट कर लिए हैं, आप अपने हिसाब से कट कर लें। 2 टमाटर बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। बीटरूट 1 इंच, गीला नारियल, गीले नारियल को मैंने कसनी से कस लिया है। ये 5 ड्रम स्टिक बोलते हैं इसे, और मूंगा फली भी बोलते हैं, ये मैंने 5 फली ली है। ये इमली है, इमली को भिगो के मैंने इसका रस निकाल लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे, तेल को अच्छा सा गर्म होने दें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे जीरा, हींग 1 पिंच। हींग डालने से सब्जी का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। तेज पत्ता। अब इसमें हम डालेंगे लंबे प्याज कट करके रखे थे, वो डालेंगे। ये सब्जी एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, ये सब्जी कोई भी बना सकता है। और इसे अच्छे से हिला लें और हल्का ब्राउन होने तक इसे लो फ्लेम पे ही पकने दें। मैंने जो बीटरूट कट की थी वो हम डालेंगे, क्योंकि बीटरूट डालने से सब्जी का कलर और भी अच्छा आता है, इसलिए मैं बीटरूट डाल रही हूँ। और इसे हिला दें। प्याज हमारे अच्छे से भून चुके हैं, और देखिए बीटरूट डालने से कलर कितना सुंदर आया है प्याज का। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और अच्छे से हिला लें। सब्जी का और भी कलर अच्छा आने के लिए इसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच कसूरी लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिला लें और इसे 5 मिनट के लिए पकने दें, ताकि हमारे प्याज पूरे अच्छे से, प्याज की ग्रेवी बन जाए, हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें, प्याज और टमाटर को अच्छे से तेल में फ्राई होने दें और उसकी ग्रेवी बनने दें, इससे उसका फ्लेवर, सब्जी का फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, प्याज को चम्मच की सहायता से प्रेस करके इस तरह से इसकी ग्रेवी बना लें। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे नारियल, क्रश करके रखा था, नमक स्वाद अनुसार, सूखा हरा धनिया पाउडर। सब्जी को और भी चटकदार बनाने के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सांभर मसाला। सांभर मसाला आप जब इसमें डालेंगे तो इसका और भी स्वाद दुगुना हो जाएगा। इसमें ऐड करूँगी इमली, जो मैंने उसका पानी बना लिया था। आप कभी भी कढ़ाई में सब्जी बनाएं तो इमली पहले ना डालें, क्योंकि मैं ये सब्जी कुकर में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मसाला 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने दें। गैस लो फ्लेम पे ही रखें, अगर हाई फ्लेम पे रखेंगे तो हमारा मसाला जल जाएगा। मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, और इसमें देखिए साइड से पूरा तेल छूट चुका है, इससे हमें समझ में आता है कि हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं मुरंगे। मसाला और मुरंगे को अच्छे से मिक्स कर लें। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना टाइट टाइट नीचे लग न जाए, तो इसमें मैं अब 1 कप पानी ऐड करूंगी। कप पानी डालें और मिक्स कर लें। देखिए इसे हम 1 सीटी लेंगे, कुकर को बंद कर दें और 1 सीटी आने दें। गैस हाई फ्लेम पे ही रखें। 1 सीटी आ चुकी है, गैस ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने दें। कुकर ठंडा हो चुका है, इसे खोल लें। इसमें डालेंगे हरी सांभर और इसे हिला लेंगे। हमारे मुरंगे की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। बन गई ना 5 मिनट में मुरंगे की सब्जी, न उबालना न पीसना। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुरंगे की सब्जी, जो 5 मिनट में झटपट आसानी से बन जाते हैं। कोई भी गेस्ट आए तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। इसे आप सर्व करेंगे, इसे कोई भी बाउल या प्याले में सर्व कर लें। आपको अगर थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो इसमें थोड़ा सा पानी आप और ऐड कर लें। थोड़ी सी हरी सांभर